ओम ज्ञानतिमिरन्दस्या ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येना तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। तो यहाँ पर अभी सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे हैं। जब देवताओं ने देखा कि सब जगह अंधकार हो गया है, अंधकार छा गया है, तो उनको ये पता नहीं लगा इसका कारण क्या है। तो ब्रह्मा उत्तर में बताते हैं, उस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि ये अंधकार दिति के गर्भ में पल रहे दो जो आसुरिक बच्चे हैं जिनका जन्म होने वाला है, उनकी वजह से ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा विश्व जो है अंधकारमय हो गया है, अंधकार से भर गया है। बाद में आगे ब्रह्मा जी जो है ये पूरा वृतांत बताते हैं कि ये दो बच्चे, आसुरिक वृत्ति के जो बच्चे जन्म लेने वाले हैं, ये दिति के गर्भ में कहाँ से आए, कैसे आए, उसका पूरा वृतांत बता रहे हैं। तो उसकी शुरुआत में वो कह रहे हैं कि हे देवतागण, ब्रह्म उवाचा, मनसा मे सुता युष्मत् पूर्वजः सनकादयः। आप सबसे पहले, आप सबके जन्म से पहले मेरे मन से चार पुत्रों ने जन्म लिया। सनकादयः, सनक, हेडेड बाई सनक, तो सनक हैं सनातन, सनंदन और सनत कुमार। ये जो चार कुमार हैं इन्होंने ब्रह्मा के मन से जन्म लिया। चेरूर विहा विहा यसा लोकाल लोकेशु विगतस्पृहा। विगतस्पृहा मतलब उनके अंदर में कोई भी मटेरियल, भौतिक इच्छाएं, मटेरियल डिजायर्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी अपनी इच्छा से चेरूर विहायसा लोकान, अलग अलग लोक में विचरण करते हैं ये चार कुमार। कभी किसी भौतिक संसार के, इस भौतिक संसार के किसी प्लैनेट में जाते हैं, ग्रह पर जाते हैं, या कई बार स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आध्यात्मिक संसार में किसी प्लैनेट पर जाते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार ये विचरण करते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बड़ा सुंदर अर्थ समझा रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं जब यहाँ पर बताया गया है कि वो अपनी इच्छा से भौतिक संसार में या कभी स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक संसार में विचरण करते हैं, दो प्रकार की इच्छाएं होती हैं। जब भी हम लोग कहते हैं डिजायर, इच्छा, इच्छा का मतलब होता है भौतिक इच्छा, मटेरियल डिजायर्स। लेकिन ये जो चार कुमार हैं,
इनमें कोई भी मटेरियल डिजायर नहीं है, इनकी कोई भी भौतिक इच्छाएं नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग विचरण करते हैं। देखिए, मानिए अगर आप यहां से अमेरिका जाते हैं, बहुत सारे लोग जो है वीजा लेकर के, पासपोर्ट बना करके अलग अलग देशों में विचरण करते हैं। क्यों विचरण करते हैं? हमारी इच्छा है, हम लोग देखना चाहते हैं पाश्चात्य देश कैसे हैं, अमेरिका कैसा दिखता है, वहां पर लोग कैसे हैं, वहां पर डेवलपमेंट कैसा है, ये सब चीजें हम लोग जानना चाहते हैं। इसके कारण हम लोग जो है अलग अलग जगहों पर विचरण करते हैं, जाते हैं। जिसकी इच्छा नहीं है वो लोग नहीं जाते हैं। मतलब क्या है? इच्छाओं के द्वारा हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, और यही एक बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का भी। क्योंकि हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं, भौतिक डिजायर्स हैं, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान हमें एक शरीर से दूसरे शरीर में भेजता है, एक प्लैनेट से, एक ग्रह से दूसरे प्लैनेट में भेजता है। कभी हम लोग स्वर्ग लोक में जाने की इच्छा करते हैं, उस प्रकार के हम लोग कार्य करेंगे और बाद में हम लोग स्वर्ग लोक को जाएंगे। लेकिन आध्यात्मिक संसार में भी इच्छाएं होती हैं, जैसे यहां पर हम लोग देख रहे हैं चार कुमार, वो भी अपनी इच्छा के द्वारा कभी भौतिक संसार में जाते हैं, कभी आध्यात्मिक संसार में जाते हैं। ठीक इसी प्रकार नारद मुनि भी हम लोग देखते हैं, नारद मुनि भी भगवान का कीर्तन करते हुए अलग अलग जगहों पर जाते हैं। प्रहलाद महाराज भी इच्छा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भगवान मुझे वैकुंठ धाम, मैं तो हमेशा आपकी भक्ति में लीन हूं, लेकिन फिर भी मैं इस भौतिक संसार में दोबारा आना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि ये जो लोग आपसे विमुख हैं, इन लोगों को मैं भगवान की भक्ति में लगाना चाहता हूं। तो उनकी भी इच्छाएं हैं, लेकिन देखिए दोनों इच्छाओं में बहुत अंतर है, दोनों इच्छाओं में बहुत अंतर है। यही कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, जब हम लोग, जब जीव अपनी स्वयं की इंद्रियों की तृप्ति करने की इच्छा करता है उसे काम कहा जाता है। आत्मेंद्रिया प्रीति वांछा, अपनी ही इंद्रियों की तृप्ति करने की इच्छा जब हम लोग रखते हैं उसे काम कहते हैं। और उसका ही उल्टा होता है कृष्णेंद्रिया प्रीति वांछा, जब हम लोग भगवान कृष्ण की, उनकी इच्छा पूरी करने का प्रयास करते हैं उसे प्रेम बोलते हैं। तो जब हम लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा करते हैं और उसके लिए कार्य करते हैं वो काम कहलाता है, जब हम लोग भगवान की आध्यात्मिक इच्छाएं उसको पूर्ण करने का प्रयास करते हैं, जैसे अर्जुन ने किया। अर्जुन पहले अपने लिए युद्ध करना चाहता था, उसे काम कहते हैं। भगवान ने कहा मेरे लिए युद्ध करो, उसे प्रेम कहते हैं। देखिए उसी कार्य के द्वारा, उसी इच्छाओं के द्वारा जब उसने भगवान के लिए कार्य किया वो भगवान के महान भक्त बन गए। भक्तोसि सखा च इति भगवान कहते हैं, तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे सखा हो। तो केवल इतना डिफरेंस है। इसलिए हमें ये समझना है भक्ति में भी इच्छाएं होती हैं, और जब हम इस भौतिक संसार में हैं तब भी हमारी इच्छाएं होती हैं। मटेरियल एक्टिविटीज कर रहे हैं, भौतिक क्रियाएं कर रहे हैं, उसमें भी इच्छाएं होती हैं।
भौतिक संसार में भी अनेकों प्रकार के कर्म होते हैं, आध्यात्मिक संसार में भी अनेकों प्रकार के कर्म होते हैं, भौतिक संसार में भी अनेकों प्रकार के रिलेशनशिप्स होते हैं। जैसे हम जो है किसी से सखा के रूप में, फ्रेंडशिप के रूप में रिलेशनशिप रख सकते हैं, किसी से प्रेम के रूप में रिलेशनशिप रख सकते हैं, किसी से अपने जो है जैसे माता और पिता और बच्चों के बीच में वात्सल्य के रूप में जो है रिलेशनशिप हो सकता है। ठीक इसी प्रकार आध्यात्मिक संसार में भी ये रिलेशनशिप्स होती हैं, एक्टिविटीज होती हैं, कर्म होते हैं और इच्छाएं भी होती हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है, क्वालिटी में दोनों में अंतर है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लोहे में और गोल्ड में बहुत अंतर होता है, करेक्ट। दोनों मेटल हैं लेकिन दोनों में बड़ा डिफरेंस है। लोहे के अंदर में जंग पकड़ जाता है, रस्टेड हो जाता है, लेकिन गोल्ड जो है अपने कैरेक्टर के अनुसार, जो है कैरेट के अनुसार प्यूरिटी रहती है, उसके अंदर में कोई गंदगी नहीं रहती है। तो भक्ति का मतलब हमें ये नहीं समझना है कि ये चार जो कुमार हैं ये लिबरेटेड हैं, ये ऑलरेडी मुक्त पुरुष हैं, इसका मतलब इनके अंदर में कोई इच्छाएं नहीं हैं, उनके अंदर में कोई डिज़ायर्स नहीं हैं, वो कोई कर्म नहीं करते, वो केवल साइलेंट हैं। कई बार ऐसा ही लोग सोचते हैं, अभी हम लोग इच्छा करते हैं, अभी हम लोग अनेकों प्रकार के कर्म करते हैं, अभी हमारी रिलेशनशिप्स हैं, लेकिन ये सब जब हम लोग आध्यात्मिक संसार में जाएंगे सब शून्य हो जाता है, सब जीरो हो जाता है। तो कई बार लोग सोचते हैं आध्यात्मिकता का मतलब है शून्य, जीरो हो जाना। जैसे कई बार आप लोगों ने सुना होगा, एक उदाहरण ये लोग देते हैं कि देखो घड़ा जो होता है, मटका, पॉट जिसको बोलते हैं, मट्टी का बना हुआ पॉट, उसको अगर आप पानी में डालेंगे तो जब वो भरता है घड़ा, उसमें आवाज आती है, गड़ 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 गड़। बाद में जब वो पूरा भर जाता है तब उसमें आवाज नहीं आती है। तो ये मायावादी जिनको आध्यात्मिकता का सही अर्थ पता नहीं है, वो इसी प्रकार से विचार करते हैं कि जब तक हम लोग भौतिक संसार में हैं, घड़े के बराबर हम लोग एक्टिविटीज करते हैं, इच्छा करते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, सब कुछ करते हैं, जैसे ही हम लोग आध्यात्मिकता में आ जाते हैं सब जीरो हो जाता है, सब साइलेंट हो जाता है। इससे क्या होता है, देखिए जब इस प्रकार से लोगों को गलत फहमी होती है तो लोगों का आध्यात्मिकता से मन बिल्कुल टूट जाता है। लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिकता का मतलब है सब जीरो है, सब शून्य है, सब साइलेंट है, फिर आध्यात्मिकता लेने का क्या फायदा है, हमारी मटेरियल लाइफ ही बेटर है, उससे कोई रिलेशनशिप नहीं रहेगी, कोई इच्छा नहीं रहेगी, सब कुछ जीरो हो जाएगा। इसलिए लोग जो है आध्यात्मिकता की तरफ जाना भी नहीं चाहते हैं। मतलब क्या है, इन मायावादी लोगों ने सर्विस नहीं की है ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए, बहुत बड़ी डिससर्विस की है, क्योंकि इसके इनके कारण लोग अपनी मटेरियल एक्टिविटीज में बढ़ रहे हैं। वो सोच रहे हैं क्या फायदा है आध्यात्मिकता में जाने का, है कि नहीं? आप ही जरा सोचिए, अगर मैं आपको कहूं कि भाई आप एक काम करो, बिल्कुल सुनसान जगह पर चले जाओ, हिमालय में चले जाओ, हिमालय के अंदर में भी एक गुफा के अंदर बैठ जाओ, किसी भी आदमी को मत देखो, किसी से बात मत करो, कोई रिलेशनशिप मत रखो, कोई इच्छा मत रखो, कुछ कार्य मत करो, साइलेंट रहो, कितने दिन आप खुश रहेंगे?
जेल के बराबर हो जाएगा। जैसे अभी ये कोविड कोरोना वायरस का पेंडेमिक के कारण लोग घर में बंद हो गए हैं, अनेकों प्रकार के आपने नेट में देखे होंगे चुटकुले चल रहे हैं, जानवर लोग बाहर घूम रहे हैं देखने के लिए, आदमी लोग अपने घर में कैसे बंद हैं, कैद हैं, है कि हम लोग कैद नहीं रहना चाहते हैं। हम लोग सोचते हैं कितना जल्दी ये अभी जो कर्फ्यू चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, कब जाके ख़त्म होगा, हम लोग बाहर जा करके घूमेंगे, लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे। कौन चाहता है अकेले में रहना? कोई नहीं चाहता है। देखिए, इसके द्वारा हमारा नेचुरल, हम अपना जो है स्वाभाविक, अपना स्वभाव समझ सकते हैं। कॉन्शियसनेस, चेतना का मतलब है एक्टिविटीज रहेंगी, थिंकिंग फीलिंग विलिंग रहेंगे। इनएनिमेट और एनिमेट ऑब्जेक्ट में यही डिफरेंस है, एक जीव के अंदर में और एक अजीव के अंदर में, जिसमें जीवन नहीं है, दोनों में ये अंतर है। ये जो टेबल है इसमें जीवन नहीं है, ये टेबल सोच नहीं सकता है, थिंकिंग नहीं कर सकता है, इसके अंदर में फीलिंग नहीं है। अगर मैं इसको मारूं, ये नहीं बोलेगा सर मेरे को क्यों मार रहे हो, दर्द हो रहा है मेरे को, उसमें फीलिंग नहीं है। सो थिंकिंग फीलिंग और विलिंग, उसमें कार्य करने की क्षमता नहीं है। लेकिन जो जीव होता है उसमें इच्छा, थिंकिंग, फीलिंग, भावनाएं और कर्म करने की क्षमता, विलिंग, ये सब रहते हैं। ये डिफरेंस होता है, लेकिन दोनों में अंतर है। एक्टिविटीज इन मटेरियल प्लेटफॉर्म, एक्टिविटीज ऑन स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। जब हम लोग भौतिक संसार के अंदर में हैं तब भी एक्टिविटीज होती हैं, और जब हम भौतिक संसार से बाहर आध्यात्मिकता में आ जाते हैं तब भी एक्टिविटीज होती हैं, लेकिन क्वालिटी चेंज हो जाती है, टेस्ट चेंज हो जाता है। प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं, सिंपल उदाहरण देते हैं। जब हम लोग बीमार हैं, मान लीजिए हमको जो है कोरोना वायरस आ गया है और हम लोगों को जो है कोरोना इन्फेक्शन के कारण निमोनिया हो गया है, बुखार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, खांसी हो गई है। कोरोना का एक सिम्टम क्या है, टेस्ट चला जाता है, जीभ का बिल्कुल टेस्ट मर जाता है। तो वो बीमार अवस्था में मान लीजिए आपके अंदर में इन्फेक्शन है और आपके अंदर में बहुत सारे सिम्टम्स हैं, आपका टेस्ट चला गया है, आपको बुखार है, आपको खांसी है, आपके नाक से जो है अनेकों प्रकार की कोल्ड है, इसमें अगर आपको एक स्वादिष्ट भोजन दिया जाए, रसगुल्ला दिया जाए, गुलाब जामुन दिए जाए, आपको टेस्ट नहीं लगेगा, आपको लगेगा बिल्कुल कड़वा है। ठीक इसी प्रकार इस भौतिक संसार में अभी हम लोग डिजीज्ड कंडीशन में हैं, तो डिजीज्ड कंडीशन में हम लोग एंजॉय करने का प्रयास कर रहे हैं, वो डिस्टेस्ट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम लोग डिजीज्ड कंडीशन में भोजन खा रहे हैं हम लोग बोलेंगे कि नहीं इसमें कोई टेस्ट नहीं है, रसगुल्ला गुलाब जामुन इसमें अंदर में कोई टेस्ट नहीं है। नहीं, ये गलत है। हम डिजीज कंडीशन में हैं इसलिए हमको टेस्ट नहीं आ रहा है, जब हम लोग हेल्दी कंडीशन में आ जाएंगे तब हमें उसका टेस्ट आएगा। ठीक इसी प्रकार मटेरियल कॉन्शियसनेस, जब हम लोग भौतिक संसार में हैं, डिजीज कंडीशन में हैं, जब हम लोग आध्यात्मिक कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं तब हम लोग हेल्दी कंडीशन में हैं, तब भी रिलेशनशिप होती हैं, तब भी इच्छाएं होती हैं, तब भी एक्टिविटीज होती हैं, लेकिन उसके अंदर में टेस्ट रहता है, रस रहता है। दोनों में बहुत अंतर है, इसलिए हम लोग यहां पर देख रहे हैं चारों कुमार जो हैं उनके अंदर में मटेरियल इच्छाएं नहीं हैं, लेकिन अपनी आध्यात्मिक इच्छा के द्वारा ये अलग अलग लोकों में जा रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। तब हम लोग सोच सकते हैं
ये लोग तो लिबरेटेड हैं, हम लोग तो लिबरेटेड नहीं है, इनको तो मुक्ति की प्राप्ति है, हम लोगों को तो मुक्ति की प्राप्ति नहीं है, ये लोग क्यों विचरण कर रहे हैं? क्योंकि मान लीजिए अभी बाकी के लोग भी अमेरिका जाते हैं, प्रभुपाद भी अमेरिका गए, है ना? कोई अगर आदमी सोचेगा, वो सोचेगा अरे स्वामी जी आप भी अमेरिका जा रहे हैं, इतने लोग कंसुलेट में जाकर के बड़ी बड़ी लाइन लगा रहे हैं और वो लोग अमेरिका जाना चाहते हैं साइट सीइंग के लिए, लेकिन प्रभुपाद भी अमेरिका जाना चाहते हैं साइट सीइंग के लिए नहीं, लोगों को साइट प्रदान करने के लिए क्योंकि लोगों की साइट के अंदर में अभी कैटरैक्ट आ गया है, तो लोगों को ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रभुपाद भी जा रहे हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, प्रभुपाद जो है 66 में कृष्णा भावनामृत की स्थापना की, तब से लेकर के 1977 तक 10 साल के अंदर में प्रभुपाद जो है 14 times अलग अलग देशों में गए। तो देखिए बहुत अंतर होता है। एक क्रिमिनल वो जेल के अंदर में जाता है, एक प्रेसिडेंट कंट्री का वो भी जेल में जाता है, लेकिन दोनों का जाने का कारण अलग है। क्रिमिनल जो जाता है उसको जबरदस्ती ले जाया गया है उधर, उसको जाना ही पड़ेगा, वो क्रिमिनल के लॉज के अंडर में है, लेकिन जब प्रेसिडेंट कंट्री का जा रहा है वो क्रिमिनल नहीं है, वो क्रिमिनल से मिलने के लिए जा रहा है, वो क्रिमिनल को कुछ एडवाइस देने के लिए जा रहा है, उसका काम अलग है। ठीक इसी प्रकार ये जो चारों कुमार हैं इनका विचरण करने का कारण अलग है, ये आध्यात्मिक चेतना डिजायर्स इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होकर के अलग अलग लोकों में जाते हैं। इसलिए भक्ति का सही अर्थ हमें समझना है। कई बार लोगों को भक्ति का अर्थ समझ में नहीं आता है। हम लोगों ने बहुत बार सुना होगा अगर हम किसी के पास में जाते हैं, क्यों नहीं आप मंदिर आते हैं, मंदिर में आकर के भगवान के नाम का जप कीजिए, भगवान के दर्शन कीजिए, तो बोलते हैं स्वामी जी टाइम कहाँ है मेरे पास में, भक्ति छोड़ो मंदिर आने की जरूरत क्या है, मन के अंदर में भक्ति कर लेता हूँ, मन के अंदर में ही भगवान का जप 24 घंटे चलता रहता है मेरा, मंदिर आने की क्या जरूरत है ना? तो उन लोगों से पूछना चाहिए, यही चीजें आप अपने फैमिली से भी कहिए ना, सर जब बेटा बोले भूख लगी है पिताजी मुझे कुछ खाने को दो, मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, आज मेरा बर्थडे है, जब आपकी वाइफ बोले आज मैरिज एनिवर्सरी है कुछ गिफ्ट लेकर के आओ, उनको भी बोल दो नहीं प्रेम मेरे दिल के अंदर में है तुम खुश रहो, लेकिन नहीं, भक्ति मन में भी है और मन से हमारे तन में भी आती है, एक्टिविटीज में भी आती है, इच्छाओं में भी आती है, मन के अंदर में भी है, लेकिन भक्ति वर्ड्स, भक्ति शरीर, हमारी इंद्रियों के द्वारा, हमारे मन के द्वारा, हमारे कर्म के द्वारा, सबके द्वारा भक्ति की जाती है। एक्सप्रेशन ऑफ लव इज बाय रेसिप्रोकेशन। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए रूप गोस्वामी ने भक्ति की बहुत सुंदर परिभाषा दी है, इतनी साइंटिफिक तरीके से उन्होंने समझाया है भक्ति का मतलब क्या है, ताकि बाकी के जो लोग जो अपने आप को भक्त कहते हैं उनको समझना चाहिए कि क्या वो भक्ति की परिभाषा में फिट हो सकते हैं, क्या किसी भी चीज को भक्ति कह सकते हैं। कई बार लोग कहते हैं स्वामी जी मैं देश की भक्ति करता हूं, मैं देशभक्त हूं, कोई कहता है मैं देवताओं का भक्त हूं,
तो भक्ति का मतलब क्या होता है, ये हमें जो है सही प्रकार से समझना है। तो रूप गोस्वामी ने बड़ी सुंदर डेफिनेशन दी है, ये डेफिनेशन सुनने के बाद में हम लोग जो है समाप्त करेंगे, ऑलरेडी समय हो जाएगा, लेकिन बड़ा सुंदर है, ध्यान से सुनिए। वो कहते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमम। उत्तम भक्ति का मतलब समझाते हैं, पहले ही वो बता देते हैं ये भक्ति जो है मटेरियल नहीं है, मटेरियल एक्टिविटीज नहीं है, भक्ति क्या है, उद्गता तमम। भौतिक संसार को क्या बोलते हैं, तमा, ओम अज्ञान तिमिरंदस्य, हम लोग कहते हैं ना ये मटेरियल वर्ल्ड डार्क है। तो भक्ति का मतलब क्या है, उद्गता तमा, जो तमा से ऊपर है। तो उत्तम भक्ति, भक्तिर उत्तमम, भक्ति जो है मटेरियल संसार में नहीं है, वो आध्यात्मिक एक्टिविटीज हैं। तो उनकी डेफिनेशन में बहुत सुंदर सुंदर पॉइंट्स हैं। पहले वो कहते हैं अनुशीलनम, शीलनम का मतलब होता है कल्टीवेशन। जैसे किसान लोग खेत के अंदर में कृषि करते हैं, फसल उगाते हैं, कल्टीवेट करते हैं, करेक्ट, उसको बोलते हैं कल्टीवेशन। मतलब क्या है, उसमें एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं। अगर मैं कहूँ एक खेत है, अपने आप बीज लग जाएंगे, अपने आप पानी डल जाएगा, अपने आप उसमें से गंदगियाँ घास वगैरह निकल जाएंगी, वीड्स निकल जाएंगे, अपने आप धीरे धीरे उसमें फ्रूट्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। जब एक किसान खेती करता है, फार्मिंग करता है, उसे क्या करना पड़ता है, पहले खेत को कल्टीवेट करना पड़ता है, बाद में उसके अंदर में खाद डालना है, मैन्यूर डालना है, गाय का गोबर, अनेकों प्रकार की खाद, मैन्यूर जिसको बोलते हैं, उसके बाद में उसके अंदर में बीज डालने हैं, बीज डालने के बाद में उसमें पानी डालना है, पानी डालने के बाद में अनेकों प्रकार के वीड्स जो उसके अंदर में घास फूस बेकार के जो पेड़ लग जाते हैं उनको बाहर निकालना है, तब जा करके हमारा पेड़ बड़ा होता है। ठीक इसी प्रकार से रूप गोस्वामी कहते हैं भगवान की भक्ति भी एक प्रकार की कल्टीवेशन है, शीलनम। शीलनम का मतलब होता है कल्टीवेशन, मतलब क्या है, एक्टिविटीज हैं। भक्ति का मतलब नहीं सोचना है कि बस हम लोग जो है शांति से बैठ गए और हम लोग सोचें कि कुछ साइलेंट मेडिटेशन है, और वो भी मेडिटेशन माइंड के द्वारा किसी शून्य के ऊपर लगाना है, ये भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब वो पहले बताते हैं एक्टिविटीज हैं। वेदों में बताया है एक्टिविटीज दो प्रकार की होती है, नेगेटिव पॉजिटिव। कौन बताएगा उसको, संस्कृत में क्या बोलते हैं पॉजिटिव एक्टिविटीज को, क्या बोलते हैं दूसरा शब्द, प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति का मतलब होता है पॉजिटिव एक्टिविटीज, निवृत्ति का मतलब होता है नेगेटिव एक्टिविटीज। जैसे अगर हम लोग हेल्दी रहना चाहते हैं, दो प्रकार की एक्टिविटीज करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में हमें क्या करना है, हेल्दी फूड लेना है, नेगेटिव में अवॉइड करना है, अनहेल्दी फूड को अवॉइड करना है, वो नेगेटिव है। पॉजिटिव में हमें लेना है, फल लेना है, अच्छे से पानी लेना है, न्यूट्रिशियस आहार लेना है,
ये पॉजिटिव है। इसी प्रकार से भक्ति के अंदर में भी दो एक्टिविटीज होती है, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव में हमें सवेरे जल्दी उठना है, हमें सवेरे जल्दी उठ करके भगवान के मंदिर को जाना है, आरती मंगल आरती अटेंड करनी है, भगवान के नाम का जप करना है, कीर्तन करना है, भागवत कथा सुननी है, ये सब पॉजिटिव एक्टिविटी हैं। नेगेटिव एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, हमें कुछ चीज़ों का उनसे परहेज करना है, उनसे दूर रहना है। जैसे मीट ईटिंग, मांस खाने से, इलिसिट सेक्स, अवैध जो है यौन संबंध, इंटॉक्सिकेशन, किसी भी प्रकार का नशा, गैम्बलिंग, किसी भी प्रकार का जुआ, इन सब चीज़ों से दूर रहना है। तो पॉजिटिव एक्टिविटीज़ भी करनी है, नेगेटिव भी करनी है, दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे मान लो अगर आप खाना बनाना चाहते हैं, भगवान के लिए भोग बनाना चाहते हैं, आपको आग भी जलानी है, इंग्रेडिएंट्स को पकाना है, एट द सेम टाइम आपको मान लो आप लकड़ी में आग जला करके चूल्हे में खाना बना रहे हैं, लकड़ी के ऊपर पानी नहीं डालना है, आपने आग जलाई है, अगर आपको खाना बनाना है तो उसी लकड़ी के ऊपर आपको पानी नहीं डालना है, वो अवॉइड करना है, करेक्ट। इसी प्रकार भक्ति में पॉजिटिव एक्टिविटी अगर हम लोग करते हैं और साथ साथ में नेगेटिव एक्टिविटी भी करेंगे तो वो आग में पानी डालने के बराबर है। तो दोनों एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डूज एंड डोंट्स। जैसे अभी कोविड का जो है उसके अंदर में भी डॉक्टर्स की इंस्ट्रक्शंस हैं, योगा करो, एक्सरसाइज करो, गर्म पानी पियो, गार्गलिंग करो, ये पॉजिटिव एक्टिविटी है, मास्क लगाओ। नेगेटिव क्या है, लोगों के पास में मत जाओ, 3 फीट दूर रहो, ये नेगेटिव है। कहीं कहीं पर हाथ मत लगाओ, हाथ लगाने के बाद मुंह को मत लगाओ, ये प्रिकॉशंस लेनी है, करेक्ट। इसी प्रकार से है भक्ति के अंदर में भी ये दोनों एक्टिविटी हमें करनी है। एक्टिविटीज जो है 3 प्रकार से की जा सकती है, माइंड से, मन से, वचनों के द्वारा वर्ड से, और शरीर इंद्रियों के द्वारा। मनसा कर्मणा वाचा, मन के द्वारा, कर्म के द्वारा, वाचा बोलने के द्वारा। तो भगवान की भक्ति भी पॉजिटिवली 3 चीजों से की जाती है, मन से, तो केवल मन से नहीं, कर्मणा कर्म के द्वारा भी, और वाचा बोल के भी। ये 3 प्रकार से भगवान की भक्ति की जाती है। तो उसमें क्या आता है, देखिए मन से हम लोग भगवान की भक्ति कैसे कर सकते हैं। भगवान कहते हैं मन मन भव मद भक्तो, हमेशा भगवान को अपने मन में रखना है। जो भी हम लोग भगवान के बारे में सुनते हैं कानों के द्वारा, वो ऑटोमेटिकली एक प्रकार का उसके ऊपर हम लोग मेडिटेट करते हैं, कंटेम्पलेट करते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं। मन के द्वारा हम लोग अनेकों प्रकार की प्लानिंग करते हैं, है ना, हम लोग सोचते हैं, विचार करते हैं, जैसे मेरी फैमिली को कैसे चलाना, अभी ये प्रॉब्लम चल रही है, बिजनेस डाउन हो गया है, अब नया बिजनेस कैसे करना है ना, अभी लोग नहीं आएंगे बिजनेस के लिए, 2 महीने हो गए हैं, लॉकडाउन चल रहा है, तो हम लोग विचार करते हैं। इसी प्रकार से भगवान की भक्ति के लिए भी हमें विचार करना है, तो माइंड के द्वारा भी हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। भगवान के बारे में प्लानिंग करना, भगवान के बारे में सोचना, भगवान की कथाओं के ऊपर कंटेम्पलेट करना, भगवान की श्री विग्रह जिनके हम दर्शन करते हैं उनके चरण कमल को, उसको भी हम लोग जो है मन के अंदर में सोच सकते हैं। तो मन में शून्य नहीं लाना है, मन में अनेकों प्रकार से पॉजिटिव एक्टिविटीज करनी है। ठीक इसी प्रकार से मनसा कर्मणा, इंद्रियों के द्वारा भी भगवान की सेवा करनी है, इंद्रियों के द्वारा भगवान की भक्ति करनी है। अगर मैं कहूं
कि मन से तो मैं भगवान की भक्ति कर लूँगा, भगवान मन के मन में भगवान के बारे में सोचूंगा, लेकिन मंदिर जाने की जगह मैं क्लब में जाऊंगा तो क्या होगा? हमारा मन भी इन्फ्लुएंस होगा। इसलिए हमें अमरीश महाराज से उदाहरण लेना है। उन्होंने मन भी भगवान में लगाया, इंद्रियों को भी भगवान में लगाया। सवई मनः कृष्ण पदार विंदयोर वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, अपने वाक के द्वारा बोलने की शक्ति उन्होंने जो है भगवान के लिए लगाई, भगवान की कथाओं का जो है वाचन किया, कीर्तन किया, जप किया, और क्या किया, अपनी सभी इंद्रियों का भी इस्तेमाल भगवान के लिए किया। कैसे किया? पांव के द्वारा भगवान के मंदिर को गए, हाथों के द्वारा मंदिर में झाड़ू पोछा लगाया, मंदिर को क्लीनिंग किया, मार्जनम, आँखों के द्वारा भगवान के दर्शन किए, नाक के द्वारा भगवान को चढ़ाए हुए पुष्प, फूल, तुलसी, उनका जो है उनकी सुगंध को सूंघा, जीभ के द्वारा भगवान को अर्पित किए हुई तुलसी, भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद, भोग जो लगाया गया था जो अब प्रसाद बन गया है उसका सेवन किया। तो सभी इंद्रियों के द्वारा भी, वर्ड्स के द्वारा भी, मन के द्वारा भी भगवान की भक्ति करनी है। तो एक्टिविटीज है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है अनुशीलनम। जो भी हम लोग एक्टिविटीज करते हैं, मन में कैसे सोचना है, मन में क्या प्लानिंग करनी है, किसके बारे में सुनना है, भक्ति का मतलब क्या होता है। अगर कल मैं सोचूं अपनी मन मर्जी से, भगवान मैं आपसे प्रेम करता हूं इसलिए मैं बकरी आपको काट करके चढ़ाऊंगा, नहीं। अनुशीलनम, अनुशीलनम का मतलब है जो हमारे प्रीवियस आचार्यों ने जो हमें मार्गदर्शन दिया है, भगवान को हमें कैसे सेटिस्फाई करना है, भगवान के लिए क्या एक्टिविटीज़ करनी है, क्या कर्म करने हैं, उनके चरण कमल पर चल करके वो काम हमें करना है, वो एक्टिविटीज़ हमें करनी है। तो इसे क्या बोलते हैं? अनुशीलनम। शीलनम का मतलब एक्टिविटीज़, कल्टिवेशन, लेकिन कैसी एक्टिविटीज़? फॉलोइंग इन द footsteps ऑफ प्रीवियस आचार्यस, जो हमारे प्रीवियस महाजन हुए हैं उनके बताए गए रास्तों के ऊपर चल करके हमें कर्म करना है, भगवान की भक्ति करनी है, मन मर्जी से भगवान की भक्ति नहीं करनी है। और ये एक्टिविटीज क्या होनी चाहिए? कृष्णानुशीलनम, भगवान के लिए वो कार्य करना है। कोई सोचेगा देवताओं के लिए भी कर सकते हैं, देश के लिए भी एक्टिविटीज कर सकते हैं, नहीं, वो भक्ति नहीं कहलाती है, वो उत्तम भक्ति नहीं है। कृष्णानुशीलनम, भगवान कृष्ण के, उनकी इच्छा के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए जो कार्य किए जाते हैं, जो एक्टिविटीज, जो कर्म किए जाते हैं, और कैसे? प्रीवियस आचार्यों के, महाजन के चरण कमल को फॉलो करते हुए जो कार्यक्रम किए जाते हैं वो उत्तम भक्ति कहलाती है। कितनी बढ़िया डेफिनेशन बताई। आगे बताते हैं, केवल इतना ही नहीं, ये जो एक्टिविटीज हम लोग कर रहे हैं कृष्णा के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन कई बार क्या हो सकता है, भगवान के लिए फेवरेबल ना हो, वो भी हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए, कंस जो है वो भी भगवान के बारे में ही सोच रहा है, वो भी प्लानिंग कर रहा है, भगवान के बारे में ही प्लानिंग कर रहा है, लेकिन क्या प्लानिंग कर रहा है? भगवान को कैसे मारा जाए, अनफेवरेबल, नॉट फेवरेबल, प्रतिकूल। तो एक्टिविटीज कैसी होनी चाहिए? एक्टिविटीज प्रीवियस आचार्य को फॉलो करके, कृष्णा की संतुष्टि के लिए, कृष्णानुशीलनम, और अनुकूल्येन,
जो भगवान के लिए भक्ति के लिए फेवरेबल हो वही एक्टिविटीज़ करने चाहिए। कम्स की तरह, शिशुपाल की तरह भगवान से द्वेष रख के एक्टिविटीज़ नहीं करने चाहिए, वो भक्ति नहीं कहलाती है, फेवरेबल एक्टिविटीज़। आगे बताते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम, देखिए ये बड़ा बढ़िया है, उन्होंने नहीं कहा सर्व अभिलाषिता शून्यम। अगर रूप गोस्वामी चाहते तो वो कह सकते थे सारी अभिलाषाओं को जीरो कर दो, सर्व अभिलाषिता शून्य, करेक्ट। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने क्या कहा है, अन्य अभिलाषिता शून्य, बाकी जो भी अभिलाषाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो सब जीरो, केवल जो भगवान के अनुकूल हैं, पॉजिटिव एक्टिविटीज हैं, वो हमें एक्टिविटीज करनी है। और खासकर दो चीजें उनका हमें त्याग करना है, वो भी वो बताते हैं, ज्ञान कर्मादि अनावृतम। भक्ति में जो है ज्ञान और कर्म, ये दो प्रकार की जो है एक्टिविटीज नहीं आनी चाहिए, ज्ञान की कंटेमिनेशन नहीं होनी चाहिए और कर्म की भी कंटेमिनेशन नहीं होनी चाहिए। ये प्रकार की हमें जो है एक्टिविटीज भगवान की भक्ति के अंतर्गत में हमें करनी है। तो दोनों में बड़ा डिफरेंस आता है, ये हमें समझना है कि भगवान की भक्ति के लिए करना है लेकिन उसमें ज्ञान और कर्म, इसकी कंटेमिनेशन इसमें जो है भगवान की भक्ति में नहीं रहनी चाहिए। तो इसके साथ यहाँ पर समाप्त करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।